सात फेरों के बंधन में बंधने से पहले ही एक दूल्हे को शादी से महज 24 घंटे पहले ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया और मौत के घाट उतारकर हत्यारे फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। कफन में लिपटे हुए जिस शव को आप स्ट्रेचर पर देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के गुलावट्टी के मोहल्ला रामनगर के प्रतीक का शव है। प्रतीक की रविवार को गुलावट्टी से अत्रोली बारात जानी थी। शनिवार को रात्रि में प्रतीक की ससुराल से सगाई चढ़ाने आए थे। परिवार में शादी का जश्न चल रहा था। सगाई समारोह खत्म होने के बाद देर रात को डीजे पर डांस करने के दौरान प्रतीक के पास एक फोन आया। पार्टी को छोड़कर प्लांट के पास जैसे ही वह पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद शस्त्रों से लैस युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक प्रतीक को 3 गोलियां लगी हैं। गोली लगते ही उसे हापुड़ के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। प्रतीक अपने परिवार में अकेला लड़का था। प्रतीक की हत्या के बाद परिवार के घर का चिराग बुझ गया। सर, गुलावटी में एक युवक है जिसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है, इसकी आज सगाई चढ़ी है और कल बारात जानी थी, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, ये मारने वाला जो नितिन है और मृतक, ये आपस में दोस्त थे और किसी बात को लेकर के दोपहर में कुछ कहासुनी आपस में हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप अभी थोड़ी देर पहले गोली मारी गई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अपराध पंजीकरण की कार्यवाही कराई जा रही और अभी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास। सर, अभी तक हत्या के पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? अभी जो दोपहर में जो कहा सुनी हुई है वही कारण निकल कर के आ रहा है। विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है, जो कि परिजन हॉस्पिटल में है, वहाँ हमारी टीम पूछताछ कर रही, जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी हो जाएगी आपको सारी बातों का बता। कितनी गोलियां लगी है सर? अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 गोलियों की सूचना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म तो नहीं। घटनास्थल से कोई बरामदगी है सर? नहीं, कोई चीज़ बरामद नहीं है, अभी तलाश जारी है। फील्ड यूनिट की टीम हमारी वहाँ पर तलाश कर रही है, हो सकता है कुछ बरामद। थैंक यू सर। ओके।